आज हमने तय किया कि संबल योजना के जो हमारे हितग्राही है, आज लगभग 17,000 हितग्राहियों के खाते में 16,844 के खाते में 379 करोड़ रुपया अभी मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं। ये पैसे आपके खाते में चले गए। इस वक्त आपको जरूरत है, ये पैसा आपके काम आएगा। संबल योजना गरीबों की ताकत है। अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए की राशि वो डाली गई है। सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 रुपए की राशि, अनुग्रह सहायता राशि जिसको कहते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हुई तो 4,00,000 रुपया देते हैं वो राशि, अस्थाई अपंगता पर राशि, स्थाई अपंगता पर राशि खाते में, ये अलग अलग संबल के हिस्से हैं, अंग है। आज वही राशि आपके खाते में डाली है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार लगता है कि ऐसी सहायता की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन पड़ती है। संबल योजना के और भी अंग हैं, जैसे एक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब भी ये स्कूल खुलेंगे गरीबों के बेटा बेटियों को पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनका एडमिशन बच्चों का अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, तो उसकी फीस भी मामी भरवाएगा, आप चिंता मत करो। 2 बच्चों तक बेटा बेटी के जन्म पर 4,000 रुपया जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद, तो 16,000 रुपया बहना को दिया जाता है, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सके, घर पे रह सके और बेटा बेटी को पाल सके। ऐसे अनेकों अंग है संबल योजना के, उनमें से कुछ हिस्सों की राशि आज आपके खाते में डाली गई है। इस राशि का बेहतर उपयोग कीजिए। भगवान चाहेगा जल्दी ये कोरोना का संकट समाप्त होगा, हम मिलके करेंगे, क्योंकि अब गांव गांव में हम छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं जो खुद तय करेगी कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से बचने के सारे उपाय के बारे में, हमारे प्रशासनिक अमले के साथ मिलके काम करेगी। हम इसको समाप्त करें बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी। बस लापरवाही नहीं रखना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बहुत बेईमान वायरस है, कब घुस जाएगा इसका ठिकाना नहीं, आप में लापरवाही, इससे बचते रहना है, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबके सहयोग से हम कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसलिए गांव में घर घर सर्वे की व्यवस्था और शहरों में कोरोना सहायता केंद्र हम खोलेंगे, ताकि सर्दी जुकाम बुखार हो तो तुरंत वहां जाइए, मेडिकल किट दवाइयां लीजिए और खाना शुरू कीजिए, जरूरत पड़े तो टेस्ट करवाइए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कोशिश हमारी लगातार बनी रहेगी। संबल योजना का लाभ भी नियमित अंतराल के बाद आपको दिया जाता रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, हर संकट की घड़ी में आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है, मुझे आपका साथ चाहिए कोरोना से लड़ाई में। आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको साथ देता रहूंगा, और मिलकर हम कोरोना को पराजित करेंगे, ताकि फिर से पुराने दिन लौटे, हम आराम से अपना काम धंधा कर सकें, बिजनेस व्यापार काम धंधा आना जाना, शादी विवाह अभी सब बंद है, शादियां भी नहीं करना है, इसके बाद ही पहले कोरोना मारेंगे फिर शादी करेंगे, फिर से सामान्य जिंदगी बहाल होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।